गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इन द प्रीवियस स्टडीज वीडियो आपने पेज नंबर 88 तक एक्सरसाइज में भी कंप्लीट कर लिया था। 88 पेज नंबर तक एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 89 एंड 90। दोनों पेजेस का एक्सरसाइज देखेंगे हम, पर उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लें क्या हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्या था पोएम में, किसके बारे में था। तो एक बार थोड़ी सी देर के लिए चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हम जब भी चैप्टर रिवाइज करते हैं ना तो हमें एक्सरसाइज करने में डिफ़िकल्टी नहीं आती, सब कुछ माइंड में आ जाता है कि पूरे चैप्टर में एक्चुअल में दिया क्या था। सो टर्न योर पेज। ये रहा हमारा चैप्टर 12 जिसका नेम था मंकी मिस्चीफ। अब ये आपने पोएम समझी होगी क्या थी इस पोएम में। इस पोएम में था कि क्या होता है, क्लास चल रही होती है, स्कूल में क्लास चल रही होती है, अब 5-6 मंकी अचानक चलती हुई क्लास में आ जाते हैं। बच्चे बता रहे होते हैं, ये बच्चों ने बताया है कि 5-6 मंकी एकदम से हमारे स्कूल में आ जाते हैं। फिर अब मंकी तो क्या करते हैं, मंकी तो इधर से उधर उचकते हैं, एक जगह टिकते हैं क्या, वो नहीं टिकते ना। तो जैसे ही वो बताते हैं कि 5-6 मंकी उसके स्कूल में आ जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, इधर उधर कूदना उछलना चालू कर देते हैं। और जो स्कूल्स के जितने भी रूल्स हैं, स्कूल्स के रूल होते हैं ना कि आपको क्लास में स्ट्रेट बैठना है, टीचर से बिना पूछे इधर उधर नहीं जाना है, फालतू कॉरिडोर में नहीं घूमना, तो ये सारे रूल्स क्या कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं। अब मंकीज़ किसी के रूल मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे ना, तो ऐसे करके वो स्कूल में आ जाते हैं। फिर वो बच्चा बताता है कि जो बेबी मंकी था, 5-6 मंकी में से जो बेबी मंकी था, छोटा मंकी का बच्चा था, वो कैसा था, सबसे प्यारा था, सारे मंकीज़ में से सबसे प्यारा बेबी मंकी था। अब उसकी मदर कैसी थी, उसकी मदर थी, उसने उसकी मदर को कंपेयर किया प्लम से। प्लम क्या होता है, एक बेर होता है। उसने कंपेयर किया कि मंकी की जो मदर थी वो प्लम जैसी थी, और उसके फादर कैसे थे, बहुत ही लंबे थे। किसके, वो जो बेबी मंकी की बात कर रहा है कि बेबी मंकी तो बहुत प्यारा था और उसकी मदर प्लम जैसी थी और उसके फादर बहुत ही लंबे थे। फिर वो बताता है कि उनकी फ्रेंड्स के साथ वो कॉरिडोर में घूमे, इधर उधर उनने मार्च किया, मार्च पास्ट होती है ना चलना, तो इधर उधर वो चले, और एंड फॉलोड द फोर, और जो बाकी 4 मंकी कर रहे थे बिल्कुल सारे मंकी ने ऐसा किया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि क्लास में मंकी के आने से क्या हुआ, मंकी को देख के टीचर श्रिक्ड, मतलब टीचर चिल्लाने लगे, और उन्हीं के साथ बच्चे भी चिल्लाने लगे। अब इमेजिन करिए, आप क्लास में पढ़ रहे हो आराम से, पूरा अटेंशन होके पढ़ रहे हो, और अचानक से बहुत सारे मंकीज आ जाते हैं, तो आप चिल्लाओगे ना, पूरी क्लास चिल्लाएगी। इसी तरह उनकी क्लास में भी चिल्ला चोट हुई। उसके बाद मंकी इधर उधर उचक रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। फिर मंकी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ क्यों थे, वहाँ पे बच्चे क्यों थे। फिर उन्होंने क्या किया, बच्चों पे चौक फेंकना स्टार्ट कर दिया, और मंकीज़ को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सारी मस्ती करने में। फिर वो एक बिल्कुल परफेक्ट लाइन में चले, एकदम स्मार्टली उन्होंने जंप किया और बाहर निकल गए। एक धीरे धीरे चलते हुए एक ही लाइन में सारे 5-6 मंकी स्मार्टली उन्होंने जंप किया, निकल गए बाहर की तरफ। फिर वो कहाँ पहुँचे, हॉल में पहुँचे, हॉल से रेस लगाते हुए वो पहुँचे ग्राउंड में। फिर उन्होंने क्या किया, एंड आउट दे वेंट जंपिंग ओवर द बाउंड्री वॉल। फिर वो बाहर पहुँच गए थे, बाउंड्री वॉल जो थी उनकी बाउंड्री थी उसके ऊपर से जंप करके। तो इस तरीके से मंकी उनकी क्लास में आए, बहुत सारा उन्होंने पूरे स्कूल में डिस्टर्बेंस कर दिया, और पूरे डिस्टर्बेंस करके क्रिएट करके फिर जंप करते हुए बाहर चले गए स्कूल से। तो ये था स्टोरी चैप्टर 12 का। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 89। वर्ड्स विच हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग मैच द फॉलोइंग। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं हमें कॉलम ए और कॉलम बी में, इनमें से वर्ड्स क्या होते हैं, मैच करते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स की मीनिंग कैसे हैं, सेम है। जैसे ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो उसी से मिलता जुलता, इसी मीनिंग से मिलता जुलता कोई वर्ड दिया है कॉलम बी में, जिसको हमें ढूंढना है और मैच करना है। तब ह्यूज मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, और इधर कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स होता है बड़ा, बिग। तो ह्यूज को किससे मैच करेंगे हम, बिग से। फिर आता है लिटिल। लिटिल मीन्स क्या होता है, लिटिल मीन्स होता है छोटा।
अब बी कॉलम में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स होगा छोटा, ढूंढो। ये लिखा है ऑन द टॉप, लिटिल का क्या होगा स्मॉल। फिर लॉयल, लॉयल मीन्स होता है वफादार, निष्ठावान। और लॉयल से रिलेटेड वर्ड कौन सा हुआ फेथफुल, फेथफुल मीन्स भी क्या होता है वफादार। क्या आ जाएगा थ्री नंबर। देन आता है पार्डन, पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, माफ़ी मांगना। जैसे मान लीजिए एक टीचर कोई कुछ बोल रहा है, जैसे मान लीजिए टीचर कोई कुछ बोल रहा है, टीचर आपको कुछ चीज़ समझा रहे हैं और आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, तो आप बोलते हो ना मैम पार्डन प्लीज़, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप ऐसे नहीं बोलते सॉरी, तो ताकि दूसरे जो सामने वाला है वो अपनी बात रिपीट कर दे। तो पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, माफ़ी। और फॉरगिव मतलब भी सेम होता है, फॉरगिव जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी क्षमा करना होता है, तो पार्डन का क्या हो जाएगा फॉरगिव। और लास्ट गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, और सेम नाइस मीन्स भी क्या होता है अच्छा, तो गुड को किससे मैच कर देंगे हम नाइस से। तो 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 एंड 5। अब नाउ ग्रेस्पिंग ग्रामर, यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर। यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर। इन मतलब में, ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। अब इन तीनों का हमें यूज़ करते हुए ये पूरा पैराग्राफ फिल करना है, तो रीड करते हैं हम। वेयर डिड द क्रेजी बॉल फॉल, वेयर डिड द क्रेजी बॉल फॉल। क्रेजी बॉल कहाँ गिर गई है, कहाँ गिर गई थी क्रेजी बॉल। अब इसमें क्या कर रहा है, उसकी क्रेजी बॉल को ढूंढ रहा है। I bounced a crazy ball. It fell dash then floor and it fell dash the floor and then dash a box. अब उसने क्या किया, वो बच्चा बता रहा है कि मैंने अपनी क्रेजी बॉल को बाउंस किया था। एक बॉल आती है बिल्कुल छोटी सी, वो छोटे साइज में रहती है बट वो बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, उसको हम फेंकेंगे ना तो बहुत ज़्यादा उछलती है, तो उसका नाम ही क्रेजी बॉल रहता है। या तो यहाँ पे एक तो मे बी इस बॉल की बात हो रही है, या फिर एक नॉर्मल बॉल की बात हो रही है जो कि ज़्यादा बाउंस करती होगी, तो उसको वो बोल रहा है क्रेजी बॉल। हम बता रहे हैं कि मैंने क्रेजी बॉल को बाउंस किया था और इट फेल द डैश द फ्लोर, वो कहाँ गिर गई थी फ्लोर में। अब कहाँ गिरेगी वो, फ्लोर के ऊपर गिरेगी ना, फ्लोर के अंदर तो नहीं गिरेगी, फ्लोर मतलब जमीन। तो क्या आएगा यहाँ पे, इट फेल ऑन द फ्लोर एंड देन डैश अ बॉक्स, फिर बॉक्स, बॉक्स में क्या, बॉक्स के नीचे जाएगी, बॉक्स के ऊपर या बॉक्स के अंदर, कहाँ जाएगी बॉक्स के अंदर। एंड देन इन अ बॉक्स, आई बाउंस्ड अ क्रेजी बॉल, इट फेल ऑन द फ्लोर एंड देन इन अ बॉक्स। फिर आते हैं आगे, इट डिड नॉट स्टॉप बाउंसिंग, इट बाउंस्ड डैश द चेयर डैश द टेबल। अब क्या वो बोल रहा है कि वो है ना बाउंस करना स्टॉप नहीं कर रही थी, बिल्कुल बाउंस करती जा रही थी। इट बाउंस्ड डैश द चेयर, अब वो कहाँ बाउंस्ड हुई, चेयर के अंदर, चेयर के नीचे या चेयर के ऊपर, क्या होगा। देखो आप पिक्चर में कहाँ दिख रही है आपको, चेयर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑन द चेयर एंड डैश द टेबल। टेबल के कहाँ बाउंस हो रही है वो नीचे, तो क्या आ जाएगा नीचे के लिए अंडर, अंडर द टेबल। इट डिड नॉट स्टॉप बाउंसिंग, इट बाउंस्ड ऑन द चेयर अंडर द टेबल। आई ट्राइड टू कैच इट, मैंने कोशिश की थी उसको पकड़ने की, लेकिन इट कंटिन्यूड टू बाउंस एंड वॉज एज क्रेजी इट कुड बी। मैंने उसको कोशिश की थी पकड़ने की, कैच करने की, लेकिन क्या हुआ वो कंटिन्यू लगातार बाउंस करती रही और इतना वॉज एज क्रेजी एज इट कुड बी, इतना क्रेजी हो गई, इतना मतलब वो चक रही थी जितना वो हो सकती थी। इट फाइनली रोल्ड, फिर वो फाइनली बाउंस करते करते क्या हुई, रोल हुई, घूमना चालू किया उसने डैश द फ्लोर। अब क्या होगा, फ्लोर के ऊपर रोल करेगी, फ्लोर के अंदर रोल करेगी और फ्लोर के नीचे रोल करेगी, कहाँ रोल करेगी फ्लोर के, ज़मीन के ऊपर। तो इट फाइनली रोल्ड ऑन द फ्लोर एंड वेंट टू डैश द वॉशिंग मशीन, और कहाँ पहुँची वो, वॉशिंग मशीन के नीचे पहुँच गई थी।
नीचे के लिए क्या यूज करेंगे हम अंडर एंड वेंट अंडर द वॉशिंग मशीन. ओके सो दिस वन इज कंप्लीटेड. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी रीड अलाउड. जोर से हमें क्या पढ़ना है, ये वर्ड्स जो गिवन है उनको हम रीड करेंगे. स्क्रीम्ड चैटर्ड एंजॉयड श्रीक्ड बीम्ड होप्ड वॉक्ड मार्च्ड. स्क्रीम्ड चैटर्ड एंजॉयड श्रीक्ड बीम्ड होप्ड वॉक्ड मार्च्ड. इस ये देखो ईडी लगाए मीन्स अभी में पास्ट की बात हो रही है. स्क्रीम मीन्स होता है क्या, चिल्लाना, मीन्स वो चिल्लाया. चैटर्ड मीन्स होता है, चैटर्ड बोलेंगे बकवास, जिसे बोलते हैं रबिश बातें जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसने ऐसी बातें की. एंजॉयड मीन्स आनंद लेना, तो उसने आनंद लिया. श्रीक्ड मीन्स चीखना, तो वो चीखा. बीम्ड मीन्स चमकना. होप्ड मीन्स कूदना. वॉक मीन्स चलना. मार्च्ड मीन्स ले जाना. मार्च मीन्स ले जाना, तो ये सारी बातें ले जाया गया, ले जाया. होप्ड मीन्स वो चला. होप्ड मीन्स कूदा. ठीक है. नाउ स्पीक फ्लुएंटली. टॉक टाइम 5 मिनट्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू मंकीज विजिट योर स्कूल हाउसेस एंड सिटीज दीज डेज. इस समय मंकीज बंदर हैं आपके स्कूलों में क्यों विजिट कर रहे हैं, क्यों वो हाउसेस आपके घरों में शहरों तक आ जाते हैं. पहले तो ये था कि हमें फीस देखने को नहीं मिलते थे कहीं भी शहर के बीच में या कोई गांव के बीच में, हमेशा कहाँ मिलते थे आपको, जंगल में. पर आजकल नॉर्मली आपको कहीं भी थोड़ा सा जंगल वाले एरिया में आप जाएंगे तो नॉर्मली वो सड़क पर दिख जाते हैं आपको, शहरों में भी दिख जाते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों आ रहे हैं हमारे घर तक. इज़ इट बिकॉज देयर होम्स ट्रीज have been cut and the forest destroyed. क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके घर यानी कि trees क्या है cut किए जा रहे हैं और नष्ट किए जा रहे हैं, जो पेड़ काटे जा रहे हैं नष्ट, उनको बिल्कुल नष्ट कर देते हैं. क्या इसलिए वो हमारे घर तक आ रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, अगर आपका घर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो फिर आप कहाँ जाओगे, कहीं दूसरी जगह जाओगे ना. इसी तरीके से मंकीज़ के साथ भी ये हो रहा है. तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मीन्स हमें ट्रीज़ क्यों कट नहीं करने चाहिए, क्या आपको नुकसान हो रहा है मंकीज़ को, इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा आपको यहाँ पे राइट करना है. विद इन 2 लाइन्स, ओनली 2 लाइन्स राइट करनी है आपको. ठीक है, तो ये करेंगे आप खुद से. काफ़ी बार राइट कर चुके हैं हम ट्री के ऊपर, तो इट विल बी ईजी फॉर यू. एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.